पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करे हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी कुवच्छाय को नमन करे हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करे हम। सर्व साधु को नमन करे हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरिहंत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो ध्याय शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साधु शरण शरण। पंचाचार विभूषित से श्रद्धा भक्ति कुरलाय ऐसे पंचम पद दाए हम सबको भी मोक्ष दिलाय। हम सबको भी मोक्ष दिलाय। हम सबको भी मोक्ष दिलाय। जगले पंच परमेश्वरी भगवान की देवाधिदेव मूलमय करने के बड़े बाबा गिरनार के गौरव बाल रंजन श्री नेमिनाथ भगवान की गौरव पसंग विजय तीर्थ्रोणी मृत्युंजय मुक्ति रामना शुद्ध के सम्य शिखर के बड़े बाबा मुकुटमणि कीर्तंकर शिरोमणि चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक अंत्य तीर्थंकर विश्व प्रभु महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की सिद्धांत शास्त्र की आचार्य कुंद कुंद देव की मुनिकुल पितामह चैत्य चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर मुनि महाराज की वैराग्य गुरु समाधि सम्राट शांतमूर्ति महाबल मुनि महाराज की भारत गौरव आचार्य देशभूषण मुनि महाराज की प्रता गुरु संस्करण आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की दीक्षागुरु समाधि सम्राट परम धर्मभूषण मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भारतीय संस्कृति की मानवतावाद धर्म की वंदे 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 पूरे परम पूज्य आचार्य कुलदत्त भूषण जी महाराज की जय। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम। तो बातें याद है आपको सुनाने। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जप जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समा क्षमा। ते भरु जीवात्मा कोट्यानु कोटि पुष्प अर्पण करने से जो पुण्य संचित होता है उतना पुण्य एक स्तोत्र अगर हमने पढ़ लिया तो कोट पुष्प अर्पण करने से भी ज्यादा लाभदायक होगा। कोटि स्तोत्र पढ़ने से जो लाभ होता है वो लाभ मात्र एक बार जाप करने से होता है। कोटि बार जाप करने से जो लाभ होता है पुण्य संचित होता है सिर्फ एक बार ध्यान करने से होगा। कोट्यानुकोटि बार ध्यान करने से जो विशुद्धि होता है कर्म प्राणी जड़ होता है तो ना एक बार क्षमा करने से होता है। सबसे बड़ा स्थान क्षमा को दिया है।
परवराज परविशन में भी प्रथम हम क्षमा से शुरू करते हैं और अंत में क्षमा वाणी से समापन करते हैं। शुरुआत भी क्षमा और अंत में भी क्षमा, इसलिए कहा जन क्षमा वीर भूषण। जो वीर हैं, शूर हैं, पराक्रमी हैं, वही क्षमा कर सकता है, वही क्षमा धारण कर सकता है। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है, क्रोध आत्मा का विभाव है। विभाव परिणाम से हटकर हमको स्वभाव परिणाम की ओर जाने की प्रेरणा आचार्य भगवंत ने दिया है। इसलिए क्षमा करने वाले से भी क्षमा याचने करने वाला बड़ा होता है। अपेक्षाकृत कथन है, क्षमा याचना किया था मरुभूमि जीव ने और कमल का जीव उसके सिर पर पत्थर फेंका था। पत्थर फेंकने वाले कमल बन गया, क्षमा याचना करने वाले पारसनाथ बन गया। परिषद में बोलते हैं उत्तम क्षमा वीररी के भूषण, उत्तम क्षमा वीररी के भूषण, पार्श्व प्रभुर स्मरण श्रीधर जय धर जय धर दश धर। उत्तम मार्ग मान रहिता, उत्तम मार्ग मान रहिता, अष्ट मद नाशका श्रीधर जय धर जय धर गरीबी नहीं रहा। ये दान की परंपरा की चर्चा चल रहा है।
कल मेरा भी ये संकल्प लेके बाहर पड़ता कलश को जपान लगना चाहिए और सिर्फ पर नौ कलश है तो हार लेंगे। कल आप तो देख लिया गैया भी हार गया, ऐसे अगर किसी को छुया भी नहीं और मैं भी रह गया वो रह गए निकल भी गया मुझे भी स्पर्श नहीं किया। लोग घबराते हैं कुत्ते से कुछ गड़बड़ हो जाए अच्छा शुभ छू गया तो अंतर हो जाए, पर अब तक मेरे जीवन में कुत्ता चुके गैया चुके ऐसे कभी अंतराय नहीं हुआ है। देखो पुण्य का उदय जो आप सुनते थे पढ़ते हैं शांति सागर काल में ऐसा हुआ था ऐसे होता था आप प्रत्यक्ष देख रहे ना, ये पंचम काल में भी होता है। पुण्य के उदय को सब कुछ होता है, हम भाव अच्छे रख के काम करना है। अभी भक्ति का मार्ग खत्म नहीं हुआ है, अभी मोक्ष मार्ग खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम धर्म की मार्ग से कर्म को नाश कर मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। भरत क्षेत्र से नहीं तो क्या होगा, भरत क्षेत्र से अगर मोक्ष नहीं तो क्या होगा, अब इधर से विदेश क्षेत्र जाकर मोक्ष जा सकते हैं। हाँ कटनी से तो डायरेक्ट शिखर ही जा सकते हैं, फास्ट ट्रांसलेशन जा सकते हैं ना। हाँ अगर कटनी को बड़ा गांव से आना है तो ट्रेन नहीं मिलेगा, बस से आना पड़ेगा, है ना, वो क्या बोलते हैं आप, बस से आना पड़ेगा। हाँ इधर आ के इधर से शिखर जी ट्रेन से डायरेक्ट जा सकते हैं, ऐसे ही शिखर जी को ट्रेन नहीं है बड़े गांव से, बड़ा गांव से ऐसे को शिखर जी नहीं मिलते, ऐसे बैठ गया तो शिखर जी का दर्शन हो जाएगा बेटा, नहीं होगा। पुरुषार्थ के आप लोग एसटी से आ सकते हैं, फोर व्हीलर से आ सकते हैं, टू व्हीलर से आते हैं, पैदल भी आके आप कटनी से शिखर जी जा सकते हैं। ऐसे इधर से मोक्ष नहीं है पर विदेह क्षेत्र से मोक्ष 24 आवर्स भूत वर्तमान भविष्य सतत मोक्ष मार्ग उधर खुला हुआ है। इसी पंचम काल में आचार्य कुंद कुंद भगवान शरीर सहित जाके दर्शन ले आया था, आप आत्मा को नहीं ले जा सकते हाँ? कपड़े में ऐसे शक्ति नहीं है फिर भी आपके आत्मा में ऐसे शक्ति है, ऐसे भाव रखो मैं भी अंतिम समय से लेकर आपुर के समाज लेके यही भाव रखता हूँ, इधर से विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर भगवान के सानिध्य में भाव रूपी मुनि बनकर कर्म नाश करके मैं भी शुद्ध पद को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसे भाव रख के धर्म किया करो। विषय अलग है, मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए वो विषय अलग है, भाव तो रखो पुरुषार्थ तो करो उसका फल नियम से मिलेगा। आप किधर भी जा रहे हैं समझो, घर में आप रहकर तय करके बस में बैठेंगे नहीं, बस में बैठने के बाद हम तय करेंगे किधर जाना है, पहले तय करते हैं ना, है ना। सादा सीधा उदाहरण है, सिंपल, हमको जाना है पहला तय करते हैं, बाद में बस स्टैंड जाते हैं और देखते हैं हम किधर जाना है, उसी बस को पकड़ते हैं। शिखर जी जाना है कटनी तो जंक्शन है, भारत में दूसरा नंबर का बड़ा जंक्शन है कटनी में, आप स्टेशन में जाकर जंक्शन में जाकर दक्षिण की ओर जाने वाले ट्रेन में बैठ गए आप तो शिखर जी मिलता है क्या बेटा, शिखर जी जा पाएंगे आप, इसके लिए पहले क्या चाहिए, देखो यही आदमी इसको प्रदान का मन बनाओ, मन आया नहीं आज चले गए, मन बनाओ, इसलिए आचार्य भगवान का कहना लिखा ना आपने, मन की नहीं मन से करो, मन के नहीं मन से करो, जो मन से करेगा वही मन रहित शुद्ध भगवान बन जाए। शुद्ध भगवान ये मन है क्या, मान वचन काय तीन योगों का पूर्ण अभाव, इसको योग निरोध कहते हैं, जप करते हैं तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद धन त्रयोदशी, तो आप बोलते व्यवहार में वो धन त्रयोदशी नहीं है ध्यान त्रयोदशी है,
लोक व्यवहार में आपके मुंह में तो तंत्र देखो आपको संपत्ति मिल गए है, इसलिए आप तंत्र से आरंभ के अंकों से वो ध्यान त्रयोदशी उसी के दिन शासन नायक अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर जी ने योग निरोध किया था। योग निरोध होने के बाद ही शुक्ल ध्यान की अंतिम प्रहार में आत्मा गमन कर सिद्ध पद को प्राप्त करता है। सिद्ध परिणति में मन काम नहीं करता, मन ही नहीं है, इसलिए ऐसे मन बनाओ, आ गया मन, ऐसे मन बनाओ हम किधर जाना है, हमको क्या करना है, पहला जो आए उसको लाओ उठाओ, जो थल्ली में है उसको पहला खाओ, जो आपके भाग से मिला है उसका अनुभव ले लो, उसका सदुपयोग करो। सप्तमी तो बहुत होते हैं, चर्चा हुआ इसके बारे में, एक साल में 24 सप्तमी होते हैं, सभी सप्तमी को मुकुर सप्तमी नहीं करते। इस दुनिया में संत तो अनेक हैं, इस दुनिया में वर्तमान में संत तो अनेक हैं, सभी संत संत शिरोमणि नहीं होता, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी हैं। क्यों? आचार्य शांति सागर जी के परंपरा में वर्तमान काल में ऐसे निकृत मुनि पद का चर्या निभाया और अनेक रूप से उसको निभाने के कार्य को उन्होंने प्रेरणा दिया, ऐसे कृपा आशीर्वाद भी किया। बोलते हैं आचार्य गुरुदेव ने बड़े बाबा को बड़ा स्थान दिया, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने कुंडलपुर के बड़े बाबा को ऊंचा स्थान देके ऊंचा आसन पर बिठाया, पर आचार्य से स्वयं बोलते हैं बड़े बाबा से किसको क्या मिले मुझे मालूम नहीं, बड़े बाबा सा कृपा दृष्टि किस पर है क्या है मुझे मालूम नहीं, बड़े बाबा में जादू है क्या नहीं था ये लोगों को भी तकलीफ में क्या बोलते हैं मतलब नहीं, मुझे तो मैं स्वयं जान चुका हूं, बड़े बाबा का मुझ पर इतनी कृपा आशीर्वाद है, हम 3-4 साधु थे अभी 400 तक गए हैं, ये बड़े बाबा का ही महिमा है। इसलिए बोलते हैं बड़े बाबा के दरबार में, श्री जी के दरबार में, प्रभु जी के दरबार में, गुरु जी के दरबार में, मां त्रिनवानी के दरबार में कोई जाता है तो काली हाथ कभी नहीं लौटता, कुछ तो कुछ उसको मिलता ही मिलता है। पंचकाल में पंचकल्याणक में बोलते ना ओ सिया सावधान कलिंग देश के राजा मित्र प्रभु होते ना तीर्थंकर युवराज वर्धमान के राज दरबार में होते ना खजराना लेकर आ रहे हैं। राजा कैसे आते कितने लिखा है ना चक्रवर्ती के बारे में भी लिखा है 32,000 मुकुटपत राजा नतमस्तक होकर उनके चरण निधि जाते हैं। तीर्थ कर तो तीन लोग का नाथ है, तीन लोग का नाथ होने का सामर्थ्य रखते हैं, तीर्थ का देश श्रेष्ठ पत्नी उपाधि इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके दरबार में हम आए भक्त बनकर, हम काली हाथ कभी नहीं लौटेंगे, कुछ तो कुछ मिलता है। राजा के दरबार में गया तो भोगों को कुछ तो मिल सकता है, जो आत्म वैभव है वो नहीं मिल सकता। प्रभु के दरबार में आ गया आत्म वैभव आत्म संपदा आत्म श्री आपको प्राप्त हो जाता है, इसी से आत्मा श्रीमंत हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, अनंत सुख अनंत वीर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन जो चतुष्टय भगवान को प्राप्त हुआ है कर्म निर्जरों ने ध्यान के माध्यम से किया। इसीलिए
सब संतों को शिरोमणि नहीं बोलता, सब तीर्थंकर को शिरोमणि नहीं बोलता। 24 तीर्थंकरों में कोई तीर्थंकर शिरोमणि है तो चिंतामणि पारसनाथ भगवान का ही नाम आगम में आता है तीर्थंकर शिरोमणि के रूप में। क्यों बेटा याद किया? अभी भी विकास मुकुट सप्तमी आ रहे हैं ना, मुकुट इसको बोलते मोक्ष सप्तमी बोलते। शिखर जी ने सर्वोपरि सर्व उच्च स्थान पहुंचा है, पाषाण तो नहीं होते स्वर्ण भद्र होते, और एक नाम से भी जानते हैं पाषाण हिल, पाषाण हिल नाम से भी शिखर जी को जाना जाता है। उन्नत स्थान ऊंचा स्थान मुकुट, शिखर जी का मुकुट स्वर्ण भद्र तो ऐसे तीर्थंकर के मुकुट पारसनाथ। क्यों? इसलिए एक नहीं 10 बहु से उनका जीवन का खाता में निकले तो उनके जीवन में सुख से भी ज्यादा कष्ट ही आया है। मुझे भी ऐसे चल रहा था कि जब जैनेश प्रतीक्षा हो रहा था गुरुदेव को लोगों ने निवेदन किया, गुरुदेव एक कुलरत्न नाम में बहुत उपसर्ग हो रहा है, ये नाम थोड़ा बदल किया तो अच्छा होगा। मेरे गुरुदेव से समाज लोगों ने निवेदन किया, गुरुदेव मुझसे पूछा बेटा ऐसे बोल रहे क्या करने को उपसर्ग बहुत आ रहा है। मैंने कहा बोलता गुरुदेव क्षमा करो, अब जो उपसर्ग हो रहा है इससे भी ज्यादा उपसर्ग हुआ तो मुझे कुछ विकल्प नहीं, मुझे पारसनाथ भगवान बनना है, नाम चेंज नहीं करने का यही रख। देखो जिस पत्थर पर चन्नी का मार पड़ता है वही पत्थर भगवान होता है। दुनिया में अनेकों पत्थर हैं, सब पत्थर भगवान नहीं होता बेटा। जिस पत्थर में भगवान होने का सामर्थ्य है वही पत्थर शिल्पी के हाथ ने छन्नी का मार हथौड़े का मार खाता है। अच्छा अच्छा सुन रहे, दान की महिमा क्या है ये विषय लेकर पार्श्वनाथ भगवान का भी हम बताए। देखो दुनिया में भारत में नहीं दुनिया में जो शिल्प कला है खजरा हो कोई भी हो अभी नेमा और हो कुंडलपुर कोई भी भारत का नहीं विश्व का वर्ल्ड में जो शिल्प कला है सब शिल्प कला का कलश सुन रहे ना, सब शिल्प कला का कलश दुनिया में कोई है तो गोपेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। जय गोपेश्वर बाहुबली भगवान की। पूर्ण धरती पर कितने क्षेत्र हैं, कितने कलाकृति से बना हुआ मंदिर जो भी हो सब कला के मुकुट कलश का स्थान गोपेश्वर को आता है। कारण क्या था होते ना आचार्य भगवान ने लिखा नेमी चंद्र देव ब्रह्म स्तुति भी करते क्या सुन अच्छाय सच्चम जलकंत गंडम अबालु दोहंत सुकन्न पासम गयिंद सुद्ध जलपाहु दंडम तंगो मटेशम प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। जब गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे श्रवण गिरि में, उसमें श्रवण बैकुंठ नाम नहीं था, श्रवण गिरि में जब शिता चक्रवर्ती नेमिचंद्र गुरुदेव प्रवचन उपदेश दे रहे थे श्रवण गिरि में, क्यों
भद्रबाहु आचल से लेकर अनेक साधु संत निवास करने का स्थान हुआ था, वो श्रवणों का गिरी श्रवण गिरी नाम से जाना जाता था। आप जैसे प्रवचन सुन रहे हैं ऐसे काला माता भी गुरु का वाणी सुन रही थी। उस समय प्रवचन में चर्चा चल रहा था बाहुबली के जीवन आधारित प्रसंग सुनता। सुनते सुनते इतने आनंद लिया वो माता ने, वही ध्यान में सो गए। सुबह सुबह आज शरीर आकर मुझे बताया तो देवभाग मैंने एक सपना देखा। मैंने कहा क्या देखा बेटा? गुरुदेव सपन में आप मुझे पीछे दे रहे थे, कच्चे स्वप्न मुझे मिल गया। बेटा अच्छा भागा, अच्छा स्वप्न सुख होता है। गुरुदेव के यहां से अगर पीछे मिलना है तो इससे बड़ा भाग्य दुनिया में कोई। मानव जीवन का अगर सार्थक करना है तो, एक मनुष्य जीवन का अगर सार्थक करना है तो कृतकृत्य बनना है तो नंगो नको मक्को मक्को यही मोक्ष मार्ग है। आपको कभी ऐसे स्वप्न पढ़ाया पढ़ाया आते आते में बोल दिया आओ करो भाव अच्छे रहो, भाव करते रहो, भाव कभी बेकार नहीं होता। वो मन से कैसे भाव करने का? मन मन से, मन से भाव किया जीवन में विकास सहज हो जाता है। किसका विकास? आत्मा का विकास। भाई विकास के साथ साथ आत्मा का भी विकास। मेरे एक भक्त है दक्षिण में, वो जाति से हिंदू है। एक बार मुझे आकर कहा गुरुदेव मैंने आपको हाथ दिया वो भी मेरे घर में। मैं सोचने लगा मैं तो बस्तवाड़ हूं, आप बेलगांव का निवास, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं गुरुदेव सपन में आपने हाथ देखा, रात में हमारे घर में आपका विधि मिल गया और हम परिवार मिलके दान दे दिया। देखो आंखों के आंसू आ रहे, बोल रहे गुरुदेव मैं धन्य धन्य हो गया, मैं तो हिंदू हूं मेरे घर में हार नहीं होता, फिर भी सपन में आपने मेरे घर में आकर हार ले लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, कुछ मुझे व्रत दे दो। आप स्वयं जो लेना है विचार करो, मैं कौन से अंतर किसी को जबरदस्ती व्रत नहीं दिया है, नहीं देगा भी नहीं। स्वयं आपके मन में आकर लिया तो कल्याणकारक होता है। दीक्षा देता नहीं, दीक्षा लिया जाता है। दीक्षा देता नहीं, दीक्षा लिया जाता है। ज्ञान देने का वस्तु नहीं, ज्ञान लेने का वस्तु है। देखो उनके मन में आ गया, चरण छू लिया, भाव दिया। गुरुदेव हर दिन भोजन करते समय मैं आंखें बंद के आपके याद करके आपको आहार ध्यान देने के बाद ही मैं भोजन करूंगा, ऐसे मुझे आशीर्वाद दे दो। देखो जाति से कौन है? वो हिंदू है। अब भी उनका यही चर्चा चल रहा है, जब भोजन के लिए बैठते हैं गुरुदेव को याद करते हैं, सब मुंडराज का हार हाथ निरंतर गुरुदेव खोले दे प्रभु, हे भावना करके स्वयं भोजन करता है। कटनी में कितने लोग हैं ऐसे? झूठ मत बोलो, हाँ सच बोलो। हम जब भोजन के लिए बैठते हैं कम से कम 9 कायल सर करके हाथ जोड़ के, हे प्रभु भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र विदेह क्षेत्र में जो भी भावी संत हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आधारचर्या निरंतर पूर्वक हो जाए, ऐसे भाव करके भोजन करते। एक कितने लोग? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ो, हाँ छोड़ो बेटा, अब से तो कर सकते हैं, अब तक नहीं किया।
अब से कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ, सभी करेंगे। दिव्य प्रभावना नाम व्यक्ति, ये भाव रखो। आप बोले इससे क्या होगा, हाँ ऐसे लोग भी होता है, ऐसे बोले से क्या वो कोर्ट में रहेगा क्या बेटा, हम ऐसे बोलने से साधु का नेत्र हो जाएगा। देखो एक प्राणी होता है, मुनि सूरतनाथ भगवान का लांछन है ना, कछुआ है ना, वो कछुआ और उसका बेटा एक विशेषता है, निसर्ग क्या है देखो, अगर कछुए का बेटा को भूख लगे माँ क्या करते हैं उसकी ओर देखते हैं, बेटा क्या करते हैं माँ की ओर देखते हैं, दोनों को आंखों आंखें मिल गया बच्चे का पेट भर जाता है, एक निसर्ग का नियम है। देखो फेद भरने का अनुभव उसमें सहज हो जाता है। एक बार हो गया, छह माह के अंदर जो बच्चा बच्ची होते हैं अगर उसको कुछ बीमारी हो गया तो दवा कौन लेता है, कब किसका होता है, कब बीमारी किसका कम होता है, बच्चे का, दवा कौन लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सच्चे क्या झूठे है। अब घर में आपकी माँ को बताओ विकास देखो पुकार है माँ गोली लोल हो जाएगा, अब नहीं होगा। छह माह के अंदर जो बच्चा बच्ची होते हैं उसको अगर कुछ भी बीमार हो गया माँ दवा लिया तो बच्चे का कम हो ही जाता है, एक निसर्ग का नियम है, एक प्रकृति का सहज धर्म है, काल मर्यादा उसके अंदर जो भी हो जाए बुखार आ जाए काशी आ जाए कोई भी आ जाए माँ दवा लेते हैं पुत्र का संतान का बीमारी कम हो जाते हैं। ऐसे तर्क वितर्क मत करो, भरत चक्रवर्ती शतखंड के अधिपति होने के बावजूद भी हर दिन भोजन के पूर्व आंखें बंद कर ध्यान करके ही भोजन करते थे, इसलिए घर में रहकर उसको वैरागी कहा। जो महात्मा बापूजी गांधी जी बोलते हैं ना उनका भी नियम थे, जैन धर्म से बहुत जुड़े थे वो, उनका गुरु भी अध्यात्म गुरु पंडित रायचंद जी, महात्मा गांधी के जीवन में ऐसा कयूसा क्यों आया, प्रभाव है जिन धर्म का, पंडित रायचंद जी महात्मा गांधी जी के गुरु रूप में थे, अध्यात्म गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। फॉरेन जाने के बाद भी हर दिन भोजन के साथ इमली का पत्ता का चटनी भी खाता था, क्या बोलते आप, कटनी नीम 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 का पत्ते का जो कड़वा चटनी होता है वो चटनी का बोलते, जीवन में सुख के साथ दुख को भी सहज स्वीकारना चाहिए। संस्कार देखो, एक बात स्वतंत्र चलवली बोलती है, आप क्या बोलते हैं संग्राम के निमित्त जो काम चल रहा था घर घर गली गली फ्लेज फ्लेज बापूजी घूम रहा था, आपने एक लकड़ी लेकर, लकड़ी कुत्ते को मारने के लिए नहीं था, बापूजी के हाथ में लकड़ी भी क्यों था, देखो अगर मैं गिर गया रेस्ट लेना पड़े तो चार पांच दिन देश का काम रुक जाएगा, इसलिए मुझके लिए नहीं देश संगठन के लिए हाथ में लकड़ी लिया सहारा के लिए। उनका नियम था सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में ही उड़ता था, संकल्प था अभी ब्राह्मी मुहूर्त में मंगल स्नान करके, उसको मंगल स्नान कहा है, ब्राह्मी मुहूर्त में जो स्नान होता है उसको मंगल स्नान का वो प्रासुक जल से, अगर आप बीमार से मुक्त होना चाहते हैं तो शुद्ध करते हैं ना क्या बोलते मंजन, नहाते वक्त अगर प्रासुक पानी मुंह में पकड़ के नहा दिया
वात पित्त कफ तीनों समतल रूप में रहता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुखार भी नहीं आएगा, सर्दी भी काशी भी नहीं आएगा, जुकाम भी नहीं आएगा, तीन तो खत्म होगा शाश्वत के लिए। सिर्फ पानी पकड़ के नहाएगा, नहाने तक इससे श्वासोश्वास कर देगा। अनेक टिप्स हैं। गांधी जी ने मंगल स्नान करके सुबह प्रार्थना के बिना बाकी कार्य नहीं करता था, प्रार्थना होने के बाद वो नाश्ता नहीं करता था, सुबह 10 खजूर और एक चिट्टी बोलते थे उस समय, एक पीतल का लोटा होता था, बकरी का दूध लेता था, बकरी का दूध लेता सुबह प्रेयर होने प्रार्थना होने के बाद। उसके पूर्व नियोजन उनके साथ दो प्रमुख व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो उनका काम चल रहा था पानी तपाने का, और उनका प्रार्थना के बाद जो दूध और खजूर लेती थी उसका व्यवस्था करने का हर दिन। शास्त्री जी और वल्लभ भाई पटेल दोनों इसके साथ उस काम में नियुक्त थे। आपके से सर्वश्रेष्ठ आचार्य गुरुवर को, शांति सागर जी को, प्रमाण सागर जी को, गुरुमती जी को, अनेक साधु साध्वी को विहार करवाए। स्वयं आत्मकल्याण इच्छुक रखे तन धन और मन से, ऐसे गुरुओं ने उनके साथ देश सेवा में जुड़े थे। एक दिन बापू जी सहज देख लिया और बुलवाया, सरदार जी अगर ऐसा करना है तो कल से आप एक काम मत करो, मेरा काम मैं करूंगा। क्या हो गया बाबू जी, ये क्या कर रहे, पानी तपा रहे, ढक्कन क्यों नहीं डाला, वो बर्तन के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं रखा। बोलते हैं सरदार जी, बापू जी ढक्कन रखे न रखे क्या व्यत्यास, उसका क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। बापूजी ने कहा ढक्कन बंद करके अगर पानी तपाया ईंधन कम जलता है और जीव का हिंसा कम होता है। आपको अगर ये करना है तो करो, तो कल से हम मेरा काम नहीं, हाथ जोड़ते इतने सुचार आप करते हैं, बापू जी क्षमा करो कल से मैं ढक्कन डाल के ही पानी करता हूं। हिंसा और बचाव की बात करना नहीं, आचरण में थे। देखो उसके मन में आ गया आज बापू तो थोड़ा गुस्से में है, मुझे डांट लिया है, उसका मन, इसका मन बापू जी का मन जीतना चाहिए, हे भाव करके क्या कर दिया, प्लेट में 10 के स्थान पर 15 खजूर रख लिया, भी हटा के प्रासुक करके रख लिया, और जो चिट्ठी दूते दूध भी रख, प्रेयर हो गया। प्रार्थना होने के बाद बापूजी बैठते वो लाके रखते हैं, प्लेट में देखने के बाद बापूजी उनकी ओर देखते हैं, हंसते हंसते देखते हैं और ये भी हाथ जोड़ के बोलते हैं कुछ नहीं, पात ज्यादा खाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाओ। ओ बापू जी बोल रहे आपको मालूम है हर दिन में ही 10 खजूर खाता हूं, फिर भी आप नहीं, बापू जी ज्यादा पात खाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, खाओ। कुछ नहीं बोले, खा लिया, दूध पी लिया, उठ गए। देखते आप कौन, सरदार जी देखते हैं प्लेट में 10 खजूर तो ऐसे ही है, जाके बापू जी से पूछते हैं बापू जी आपने क्या किया, आप ही ने कहा ना पान ज्यादा खाने से कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, पान कम खाए तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क न होगा अपनी जी जाएगा। पांच में काम लिया और पांच छोड़ दिया, क्या है साधु बाबा करते हैं चौके में यही करते हैं, आप हजारों आइटम बनते बेटा, एमपी में तो मुझे आपका आइटम देके पेट भर रहा,
जो कि मैंने वो देख कर सुनकर मेरा पेट भर रहा है, गाने को छूर रहे हैं। हम तो सादा सीधा आहार लेते हैं, अनेक आइटम नहीं लेते। ये मेरा मावल गुरु का प्रेरणा है, उन्हीं की मार्ग पर हम जा रहा हूं। मावल गुरुदेव तीन वस्तु के अभाव कौन सा वस्तु नहीं रहता। ज्वार का कन्या खाना खाना बोलते हैं, कन्या आप क्या बोलते हैं, ज्वार का होता है खिचड़ी जैसा, वो पतला होता है, करिया दलिया दलिया, ज्वार का दलिया और चावल का डोसा और बहुत लिया तो थोड़ा चावल, इनको छोड़ के कुछ नहीं देता। चाच उसके साथ बहुत लिया तो थोड़ा खजूर, सिंपल आओ। मुझे भी ऐसे लग रहा है उन जैसा कर्म होने का भाव रख रहा हूं, पर अब नहीं बनूंगा, मुझे ये भी मालूम है अब बने तो समाज सो जाएगा। इतने इतने संयमी इतने सूक्ष्म साधु थे, बोलने का नहीं, आचार्य शक्ति सागर को हमने नहीं देखा, पर कुछ मावल गुरुदेव के जीवन में जो उनके चेहरे में उनके शरीर में उनके विचार में आचार्य शक्ति सागर जी का दर्शन हमको हो चुका है। इसे चेहरा उनका गुरुदेव का स्वयं संसार में आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी पत्र लिख के भेजा था, गुरुदेव आपके समाधि के लिए मैं आना चाहता हूं, आप आदेश दे दो। देखो स्वयं आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने मावल गुरुदेव को पत्र लिखा था 1996 में घटित हुआ घटना है। कुछ मावल गुरुदेव पढ़ लिया और संदेश भेज दिया, आने की जरूरत नहीं, इतने दूर से आप मेरे लिए मत आओ बेटा, मैं इधर समाधि दूंगा, आपकी चरित्र आपकी चर्या अच्छा रहे, आपका आगे का जीवन भविष्य उज्जवल बने, आशीर्वाद दे दिया। देखो मावल गुरुदेव आचार्य श्री के प्रथम वैराग्य के लिए निमित्त होने वाले, और प्रथम किसके पास आचार्य गुरुदेव गए थे विद्याधर के अवस्था में, वो कुछ मावल गुरुदेव रहा। हमारे भी परम सौभाग्य आचार्य भगवान का उम्र क्या मेरा उम्र क्या, पर मेरा भी वैराग्य गुरु मावल गुरुदेव ही है, कैसे संबंध हो सकता है। मावल गुरुदेव के उपकार हम कभी नहीं भूल सकते, दक्षिण में उसको कैसे इधर विमल सागर की चर्चा होते हैं, ऐसे दक्षिण में आचार्य शांति सागर के बाद अगर कोई ऐसा साधन करने वाले रत्नत्रय निभाने वाले चतुर्चर्या करने वाले कोई पंत संत कोई बातें नहीं बैठने वाले कोई साधु दक्षिण हुआ है तो कुछ महाबल गुरुदेव इस धरती पर हुआ है, उसी का प्रभाव आचार्य गुरुदेव सब बैलेंस रखे हैं दक्षिण और उत्तर। ज्ञान सागर का भी जीवन में उत्तर है और महाबल गुरुदेव का भी आचार्य भगवान ने सब चेहरा दिखते हैं। महाबल गुरुदेव एक बार कोठरी में थे, ऐसे घटना हो गया, प्रयाण करते समय उल्टा पैर ही डाल दिया, लोग उल्टा पैर ही डाल दिया, कुछ नहीं बोले, अंदर गया, आर के समय खजूर का बी आ गया, एकदम गरीबी परिवार थे, कभी चौका नहीं लगा था, आहार हो गया, होने के बाद मुंह साफ करते समय वो हटा लिया, सब लोग क्षमा याचना करने लगे। गुरुदेव कहा अगर मैं रिटर्न जाता तो इस लोगों के कितने मन लगते थे, अगर मैं अंतराय कर लेता तो इसको कितने बुरे लगते थे, क्या क्या लोग उस समय लोग बोलते थे, देखो उसके घर में अंतराय हुआ, ओ पुण्यवान है पापी है, अब नहीं, अब तो जाने हुआ है, अब तो क्या कर्म से ध्यान, उस समय बहुत लोग ऐसे कुछ भी बोलते थे। इसलिए उस घर का मान सम्मान रखने के लिए गुरुदेव इतने सावधान, उल्टा पैर नहीं डालने के बाद भी कुछ नहीं बोला और बी आने के बाद ही मुंह में रखकर आहार ले लिया। ऐसे आगम में अगर आ गया तो अंतराय कर सकता है, इतने सूक्ष्म विचारधारी जीव से पुण्य ऐसे काम करता है आत्मा को
जाने के लिए, अगर मन में शुभ विचार आने के लिए कोई काम करता है तो पीछे एक गुरु का कृपा रहता है। इसलिए बोलते ना, आगे गुरु होना चाहिए ध्येय, पीछे गुरु होना चाहिए। कन्नड़ में होते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं वो गुरु के समान है, गुरु की बकरी। जिसके जीवन में ध्येय नहीं वो बकरी के समान है। बकरी बकरी तो बकरी होते, बकरी का शेर का तुलना किया तो उसको अजगजांतर बोलते हैं, शेर की उपमा दिया। आचार्य भगवंत कुंद कुंद ने मूलाचार में दिगंबर साधु को शेर की उपमा दिया है, सिंह प्रवृत्ति कहा है, गोचर वृत्ति और सिंह प्रवृत्ति, इधर वो इधर सिंह, दोनों अलग दिशा की बात है, फिर भी आचार्य भगवंत का कहना हम सब। गोचर वृत्ति, गो मीन्स गैया, गैया को चारा डालते हैं आप, उसमें कौन डाल रहे हैं, उसका रंग कौन सा है, वो कुछ भी नहीं देखते। इसलिए गैया की प्रमाण, गैया की उदाहरण, देखो गाय जैसा आदमी है वो, गैया जैसा आदमी है, भैंस जैसा नहीं है। भैंस और गैया में व्यत्यास क्या है, देखो ज्ञानी ज्ञानी मिल गया, तीन रास्ता मिलता है, ज्ञानी अज्ञानी मिल गया दो रास्ता मिलता है, और अज्ञानी अज्ञानी रह गया एक ही रास्ता होता है। हाँ? देखो कलिया देख लिया, गैया की उदाहरण वो भी चौके में, गैया किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, आप इतने जोर से चिल्ला रहे थे नमोस्तु आचार्य श्री बोल रहे थे ना, उसने चिल्लाते समय में वो सिंह मार सकता था, गड़बड़ कर सकता था, घबरा के दौड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसी की स्थान में अगर भैंस है तो गड़बड़ होता था। देखो इसलिए गैया को साधु स्वभाव बोलते हैं, गो आसन में ही हमको दर्शन करने के लिए आज अपने उल्लेख भी किया है। गो एक आदर्श प्राणी है, गो की दूध तो अमृत है, अलग बात है गो की मूत्र में भी सोना का रिसर्च हो चुका है, कैंसर जैसे कैंसर रोग भी खत्म हो जाता है, कोरोना के लिए भी दवा है गो मैया की गोबर। हाँ ऐसे नहीं मत खाओ, हाँ बुद्धि ने बताया है गो मैया के गोबर के तो कोरोना नहीं, ऐसे नहीं, गो मैया की गोबर को कंडे करके सुखाने का, उसको जला के राख बनाने का, सफेद राख, उसको वस्त्र गाल करने का, क्या बोलते हैं वस्त्र गाल, वस्त्र से उसको छानने का, कपड़ छान करने का, जो कपड़ छान से बचाव जो होता है शुद्ध राख, उस राख को पानी में एक अंजुल डाल के घुमा देगा, उसमें एक पिटकरी लेने का, पिटकरी बोलते ना, पिटकरी घुमा के छोड़ देने का, एक 48 मिनट के बाद धीरे से ऊपर का पानी पकड़ने का, और चार के तीन बार प्रासू करके अगर पी लिया, कोरोना जैसा महाव्याधि भी नष्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाते हैं। इतने गजब का काम गो की गोबर में भी है, और दवा की काम करते हैं। काला बबूल नाम का एक बबूल मिलता है, वो बबूल का आप पाउडर बना के तवे में उसको जला के गो मैया के गोबर में, गोबर का जो राख बनता है उसमें मिक्स करके अगर दंत मंजन किया, थोड़ा पिटकरी डाल के आपका दंत, अनार का भी होते ना, हाँ ऐसे दंत हो जाएगा। सुबह उठ के आप होते भगवान महावीर की जय, फिर भी मुंह में हड्डी डाल रहे हैं, बोल गए दो दो वर्तमान में टूथपेस्ट आ रहा है उसमें क्या है। इसलिए हमारा धर्म अहिंसा है, गांधी जैसा गांधी भी इतने सूक्ष्म विचार कर सकता है, हम तो जैनी है, हमारा कुल ही जैन कुल है, ऐसे
ऐसे कुल में जन्म लेकर भी हम अहिंसा को नहीं अपनाए तो कौन अपनाएगा? कि आत्मा के हित के लिए है। इसलिए जो भी हम क्रिया करते हैं सावध से विवेक से करना चाहिए। इसलिए जो भी हम वर्तमान में क्रिया कर, जो भी देवदर्शन करो, पूजन करो, आहार दान दे दो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, जो भी करो, पहला विचार करो एक कार्य क्यों करना है, एक कार्य से मुझे क्या मिलने वाले हैं। ये विचार करके अगर आपने कार्य किया तो कार्य आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाए। हम क्या करते हैं, क्रिया तो करते हैं विचार नहीं करते, ये गड़बड़ हो रहा। जैसे पानी जान के पीते हैं ऐसे विचार करके ही कार्य करो। कार्य होने के बाद विचार करने से कुछ फायदा नहीं है, कार्य करने से पूर्व ही हे मैं कार्य कर रहा हूं हे आत्म के लिए हित है क्या नहीं, आत्म के लिए भला है क्या नहीं, ये विचार करके किया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो पारसनाथ भगवान उसको मुकुट शिरोमणि कीर्तंकर शिरोमणि क्यों का कारण एक ही है। वर्तमान में संत शिरोमणि क्यों बोलते हैं, अनेकों संत हैं फिर भी आचार्य जैसा संत दुनिया में वर्तमान में कोई नहीं है। स्वर्ग में कैसे इंद्र सभा में चर्चा होता था चतुर्थ काल में, रेवती रानी जैसा सम्य दृष्टि स्वर्ग में चर्चा हो रहा था, परीक्षा के लिए देव लोग आए थे, ऐसे वर्तमान में भी स्वर्ग में चर्चा होने वाले कोई संत है तो संत शिरोमणि आचार्य हुए। विद्यासागर जी का चर्चा स्वर्ग में भी चल रहे था। इसलिए मेरा भाव है अगर आपका भविष्य अच्छा होना जैसे लगते हैं तो आज ही निर्णय ले लो हमारे बच्ची को हम प्रतिभा स्थल में ही पढ़ाएंगे, उधर ही एडमिशन लेंगे। हमारा बच्चों को अगर शिक्षक देना है तो सांगानेर जैसा बहुत अच्छे संस्थान है, आप तो जानते हैं बेराने गुरु जी का नाम तो जानते हैं ना, अनमोल रतन देव सुधा सागर जी का आपको भी आंसू आ गया। उसका समाधि के बाद साधु का मन भी गिर सकता है बेटा। वर्तमान काल में वो ऐसे पुण्यात्मा धरती पर थे, इतने बड़े आदमी इतने ज्ञानी होने के बाद भी बाकी सब छोड़ लो हाथ जोड़ के अगर उन्होंने जय जिनेन्द्र बोल दिया तो आगे का आदमी का हृदय छिन जाता था। ऐसे व्यक्ति आचार्य गुरुदेव की कृपा से पुण्य भूमि पर गए। अभी आपके गांव में है ना विकास, मुझे अच्छे लगते हैं जो सामान्य से पड़े हुए बच्चे हैं, जो आचार्य भगवत से जुड़े हुए श्रावक श्राविका हैं, भक्त लोग हैं, उसको देख के मुझे बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है, मैं ये भी देखता हूँ कि अब तो आचार्य भगवान का भक्त है, धर्म से जुड़े हैं, हमसे भी जुड़ रहे हैं, आपका भविष्य भी मैं देख रहा हूँ, आप भविष्य में तीर्थंकर रोष में जन्म देने वाले, आपका भी कल्याण के साथ होने वाले जो भाई है, जो भविष्य में भगवान होने वाले, जो भविष्य में तीर्थंकर का सानिध्य का लाभ उठाने वाले हैं, वही वर्तमान में सत्य शिरोमणि में आचार्य गुरुदेव से नाता जोड़ता है। सभी को भाग्य नहीं मिलता बेटा, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ यही हमारा पुण्य है। आचार्य जी के काल में हम जी रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं मिलता। देखो आचार्य भगवान का चेहरा, देखो आचार्य भगवान का चेहरा क्या है, जो भगवान में भी वर्तमान हमको नहीं दिखता वो आचार्य जी में हमको दिखता है। क्यों, वो तो जीवंत तीर्थ है, ये हमने बना हुआ भगवान है, हमने बनाया हुआ पाषाण का भगवान है, ये भगवान निज भगवान नहीं है, निज पारसनाथ निज देवीनाथ शुद्ध शिला में शुद्ध अवस्था में बैठ चुका है, ये पत्थर में हम उसको आकार देके लाया है, और निज भगवान नहीं है, निज भगवान आपके आत्मा है, और आत्मा को परमात्मा रूप दर्शन कराने वाले परमात्मा रूप
करने पर सत्य शिरोमणि आचार्य को देगी है। अगर मध्य प्रदेश में आचार्य गुरुदेव का सानिध्य आपको इतने साल नहीं मिलते तो आप दक्षिण से भी पीछे रहते थे। अभी वर्तमान में जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो, वेदी का निर्माण, कल मुझे निवेदन करके आवा, मैं भी आनंद इतने खुश हो गया। मुझे जो शांति सागर गुरुदेव जिस भगवान को दर्शन किया था, जिस भगवान का गंधोदक लिया था, जो विमल सागर गुरुदेव तरिकाल सर्वज्ञ जिस भगवान का दर्शन किया था, जिस भगवान का गंधोदक लिया था, जो भारत गौरव आचार्य देशभूषण गुरुदेव जिसका दर्शन किया था, जिसका गंधोदक लिया था, जो संत आचार्य गुरुदेव जिसका दर्शन करके गंधोदक लिया है, उस भगवान का वेदी के निर्माण के लिए करने का भाग्य मुझे भी मिल गया। सौभाग्य समझता हूँ। क्यों? हजारों नया मंदिर निर्माण करने से जो पुण्य संचय होता है वो संचय एक प्राचीन मंदिर को जीर्णोद्धार करने से होता है। सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है सौभाग्य। इसलिए दान से बड़ा धर्म इस दुनिया में गृहस्थ के लिए कोई नहीं है। साधु के लिए बेटा सुनो, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। दान से बड़ा धर्म इस दुनिया में गृहस्थ के लिए कोई धर्म नहीं है। हजार बार भगवान का पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य एक बार दान किया तो मिलता है। दान इतने बड़ा होता है क्या बताओ। सुन रही थी आप जैसे ध्यान देके काला देवी ने, गुरुदेव जी वर्णन कर रहे हैं किसका, बाहुबली का। तीन युद्ध में विजय को प्राप्त कर लिया, अंत में गुस्सा किसको छोड़ा बेटा, कषाय तो सभी बात है। भरत को भी कषाय आ गया, चक्ररथ चला दिया। किस पर? देखो सिद्धांत है, या मालूम होकर भी गलती कर दिया। वंशज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मालूम थे क्या नहीं थे उनको, थे फिर भी कषाय के वशीभूत होकर चला दिया। चक्रवर्ती क्या तीन परिक्रमा डाल के आज्ञा मांग रहे। बाहुबली ज्ञानोदय हो गया, पिता के अभाव में बड़ा भाई पिता का स्थान में होता है। पिता तो दीक्षा ले चुका है, मेरे बड़ा भाई पिता के समान इन्होंने ऐसे किया, धिक्कार है इस संसार को। वैराग जा गया और वन की ओर प्रस्थान किया, धैर्यशील दीक्षा ले लिया, दीर्घ 12 महीने तक तप किया। जब भरत तेजा के आदि प्रभु से पूछता है, प्रभु मेरे भाई बाहुबली 12 माह तक तप करें को केवल ज्ञान प्राप्ति में क्यों? भगवान बोल दिया, आपके निमित्त से होने वाले जाओ, नीच जाते हुए भी गर्भ का खेल चलता है, जाओ भरत चक्रवर्ती जाके मुकुट साइड रखा। ब्राह्मी सुंदरी ने उनके अंग पर जो मानवी लता चढ़ा हुआ था उसको हटा दिया और भरत जी ने हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे भ्राता, ये योगी राज, ये महा तपस्वी, ये घोर तपस्वी, आप जैसे सबको छोड़ के वन प्रस्थान किया है, ये धरती अब तक किसी का नहीं हुआ है, मैं भी एक दिन इसको छोड़ के आप जैसे मोक्ष मार्ग में गए, ऐसे मैं भी आने वाला हूँ, ये धरती किसी का नहीं है। ज्ञानोर इतने सुनते सुनते ध्यान लगाया, भरत उधर है उसी समय गोपेश्वर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये स्टोरी सुनते हैं, सुनते सुनते आनंद लेते हैं, घर में आकर सो जाते हैं, ब्राह्मी मुहूर्त में सपना आते हैं। कटनी वालों आपको सपना कभी कभी आया? ऐसे आया आचार्य भुवन चर्या को नियम पकड़ के आ रहे हैं, संग आ रहे हैं, हम शिकर जी गए सपन में, अरे कैसा होता है कभी कभी, अरे चिंतन करते सो जाओ, धर्म ध्यान में सो जाओ, आपका सपना भी धर्ममय हो जाएगा। जो चिंतन हमारा चलता है वही सपना में आता है। ओ कालल माने
यही विचार क्या सोया था, ब्राह्मी मुहूर्त में सपना आ गया, सपना में 500 धनुषधारी गोपेश्वर भगवान आगे खड़े हैं और उड़ते दर्शन करने के लिए इच्छा रख के हाथ जोड़ने से प्रयास करते हैं, नींद से खुल गए, नींद तो खुल गया, बहुत बुरे लगे उधर बैठ के, इतने पश्चाताप होने लगे, हे भगवान मेरा क्या दुर्भाग्य है, आप तो मुझे दिख रहे थे मैंने दर्शन नहीं कर पाया। संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया, जब तक भगवान का प्रत्यक्ष मूर्ति का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अनाज को क्या करूंगा, ये संकल्प काला देवी ने किया। देखो एक परंपरा है बेटा, संकल्प ले लिया, सुबह पुत्र को बताते, साधु बाबा गुरुदेव को बताते, ऐसे ऐसे हो गया। गुरुदेव श्रवण राय को बुलाते हैं, प्यार से घूमट 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 घूमती थी उनको, इसलिए घूमट का ईश्वर घूमटेश्वर हो गया, बहुबली भगवान का घूमटेश्वर नाम क्यों तो पड़ा, श्रवण राय के निमित्त से पड़ा, प्यार से उनको घूमट बोलते थे, घूमट आप बोलते ना पिंकी रिंकी किंकी कुछ भी बोलते आप, अच्छा बोलते जाओ, नाम तो अच्छा रखते हैं, बोलते अलग अलग बोलते ना राम, और बहुत अच्छा था महावीर बाहुबली ये भी राम चलते हैं इधर अभी भी रखते हैं नाम, फिर भी बोलते हो ये बलिया ये माया आओ ये नहीं था, नाम क्यों रखा है, बच्चे के निमित्त से भगवान का नाम मेरे मुंह में आ जाए, मुंह में भगवान का नाम लेना भी पुण्य पुण्यास्त्रों के लिए कारण, इसलिए बच्चों का नाम हम भगवान के नाम पर रखते हैं और भगवान जैसा उनका भी काम हो जाए, भगवान की भक्त बन जाए, यही भावना इसके पीछे रहता है। गुम्मत प्यासे, गुम्मत का ईश्वर गोमटेश्वर, भगवान को नाम पड़ा इनके नाम से, अभी ऐसे काम करो। देखो गुरुदेव ने कहा मुझे तो अब तक किधर भी दर्शन नहीं हुआ मूर्ति का, चाहू राय ने सब सही को इधर उधर भेज दिया, खंड नायक थे, किधर भी दर्शन भगवान का नहीं हुआ, उस समय गुरु के प्रेरणा से मूर्ति निर्माण करने के लिए संकल्प ले लिया, छत्रगिरी पर्वत रखकर दृश्य पाठ चलाया, उनके मार्गदर्शन से इधर गिर गया उधर से मूर्ति निर्माण करने का संकल्प है, शिल्पी को ढूंढ रहे हैं, किसी ने बताया ये काम करना है तो अरिष्ट ने भी शिल्पी ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता, अरिष्ट नेमी के लिए ढूंढने के लिए भेजा, अरिष्ट नेमितों को वृत्ति त्याग करके शिल्पकार वृत्ति त्याग करके गंगा तट पे वो साधना कर रहे थे, उनके पास सेवक जाके पूछते ऐसे ऐसे आपको धन नायक चावरायण ने बोला, उस कहने के बाद आ गया, माँ से वेट होते माँ बोलते हैं बेटा क्या आगे पूछते हैं क्या करता, ऐसे ऐसे मैं तो त्याग कर चुका हूँ, गुरु के पास ले जाते, गुरु आशीर्वाद देते बेटा आपके लिए काम है, इसके बाद आपका कोई शिल्प का काम नहीं होगा, सूर्य चंद्र रहने तक धरती पर आपका नाम अजर अमर रहेगा, एक काम आपसे होने वाले आशीर्वाद ही करो, गुरुदेव के मुकाबले जाने से नहीं बोलने का धाड़स नहीं हुआ, गुरुदेव आपकी आज्ञा करेंगे, साइड ले लिया और चावल प्राय ने बताया कुछ विकल्प मत करो, पर्वत से कितने पत्थर गिरते हैं ना उसके तूक बराबर मैं आपके लिए सोना दूंगा, मगर मेरे माँ की सपना साकार होना चाहिए, ये भाव रख लिया। चलो देखो क्या वो होता है भक्त का, दान की महिमा क्या है, इसलिए दान में दुनिया में भारत में नहीं वर्ल्ड में जैनी जैसा दानी कोई जन्मा नहीं पंच में भी जन्मेगा नहीं, ऐसे दान करने वाला जैन ही होता है। क्या किया, अखंड पर्वत को तोड़ना है दुनिया में अनेकों हजार, इसलिए मैंने प्रथम शुरुआत में कहा दुनिया में कितने शिला शिल्प है, सब शिल्प का कलश गोमटेश्वर मूर्ति है, क्यों
विशेष स्थान है। जो भी निर्माण करता है नीचे से ऊपर जाता है, कोई भी मंदिर हो, मकान हो, कोई भी हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, नीचे से ही ऊपर जाता है। दुनिया में एक इकलौता ऐसे प्राचीन जो क्या जीवंत प्रतिमा है, वो ऊपर से नीचे आया होगा। जिसने पत्थर तोड़ जाएगा, किलो, 10 किलो, 1000 किलो, करोड़ टन, उतने हम सोने देंगे। भगवान मेरा मां का संकल्प पूर्ण होना चाहिए। मां के लिए जो किया अब भी उसका नाम जीवंत है। चावंड राय करविले, मराठी में देवनागरी लिपि में आपको पढ़ने के लिए मिलते गोमटेश्वर के जो पर्वत है साइड में, उसमें लिखा हुआ है चावंड राय करविले। अरिष्ट देवी शिल्पी था। देखो मां की सपना साकार करने के लिए पुत्र क्या किया, हम सुनते हैं चतुर्थ काल में श्रवण कुमार जैसा पुत्र कोई नहीं हुआ, पर इस युग में हम बता सकते बच्चन काल में चावंड राय जैसा पुत्र दुनिया में कोई नहीं हुआ। मां के लिए ऐसा काम कर दिया, वो तो नहीं है फिर उनका नाम अब भी चल रहा है। मरने के बाद भी आप जीवंत रहो, ऐसा काम कुछ करो। मरने के बाद भी अब दुनिया में आपका नाम चलना चाहे, ऐसे काम करो। देखो ऐसे भव्य मूर्ति निर्माण संकल्प ले लिया, हजारों उनके साथ काम करने लगे। अभी नियमावली में किया था, आचार्य भगवान के सानिध्य में देख रहे हूँ कि पुंडलपुर में 500 से भी ज्यादा कामगारी काम कर रहे हैं, रात और दिन चालू ही चल रहे। देखो काम चल रहा था। एक दिन मां की मन में आ गया शिल्पी के पास जाने का, कुछ देने का। देखो मां की ममता क्या होता है, सोने का थाली में, सोने का लोटा में, चांदी का लोटा में सब कुछ की, सब आइटम बना के ले लिया। उस समय टिकाऊ लोन नमक डालने का विधि नहीं, तो ऊपर से डालता था, भोजन भी नहीं, ऊपर से एक्स्ट्रा रख के चाहिए तो लेना, नहीं तो नहीं, सात्विक आहार लेने के संदर्भ से। वो लेके गया और बोलते हैं शिल्पी को, शिल्पी तो मूर्ति में काम में लग हुआ लग गया। ए शिल्पी बेटा इधर आओ, बहुत बोलना एक बात तो नहीं सुन, एक सुन के दौड़ के बताया। देखो राजमाता है शिल्पी, सर रख के दौड़ते आते माँ, हाथ जुड़ के, आप इधर क्यों है बेटा? मुझे भी इच्छा हो गया भगवान कैसे बन रहे देखने के लिए। कल जीर्णोद्धार के समय परिवार के लोग आए थे, दो तीन व्यक्ति से काम होता था, फिर भी परिवार के लोग भी उसमें शामिल हो गया। क्यों? भगवान की काम चल रहे हैं, इसमें हमको भी अनुमोदन करना है। कमिटी भी उसके साथ में थे, यही पुण्य का काम है, कृतकारी तो अनुमोदित, जो धर्म का अच्छे काम कर रहे हैं उसको भी साथ से पुण्य का बंद होगा। गुरु के आहार निरंतर हो जाए ये भावना करके साइड में अजैन लोग भी हाथ जोड़ के रहे, विधि मिल जाए। आप प्रयास करके जो पुण्य कमा रहे हैं वो तो अजैन होकर हाथ जोड़ के भावना से भी वो पुण्य कमा रहे हैं, उसका भी कल्याण होने वाले हैं। अजैन होकर भी पाओ, हम आहार नहीं दे सकते, पड़गा नहीं कर सकते, फिर भी हाथ जोड़ के भाव कर रहे हैं। पुण्य का काम बेटा, माँ ने बुलाया, दे लो बेटा आपके लिए भोजन लाए, पानी से हाथ धोया, पत्थर पर बैठ गए, माँ एक बड़ा शिला और माँ को बिठाया और खा रहे थे ऐसे मूर्ति को वो देखने का और खा रहे थे ऐसे ऐसे। खाने के बाद माँ पूछते हैं, राज माता पूछते हैं, भोजन कैसा लगा? माँ उसने कहा आपसे बना हुआ भोजन तो भोजन नहीं, अमृत जैसे मुझे लगा, इतने टेस्टी। माँ देखते हैं टीका और नमक बाजू में, वो काहे नहीं हो फिर भी अमृत जैसे लग रहे हैं। माँ सोचते हैं धन्य से शिल्पी, क्यों भोजन की वो उनका लक्ष्य नहीं था, भोजन करते करते भी वो भगवान के निर्माण करने के लिए मन में भाव चल रहा था। ऐसे विशुद्धि से ही ये काम होता है। एक दिन बताएंगे कोना वाला बाबा जी, वो भी क्या थे कैसे बनते,
अगर मन में शिल्पी के मन में आ गया, गुरु का कृपा मिल गया, सब कुछ हो सकता है। दिन बीतते गए, एक बार किसी ने आके धन्य नायक चाउंड राय को बता दिया, राय वो शिल्पी के मन मूर्ति में नहीं लग रहे, तो पत्थर गिर रहे ना उसमें लग रहे, क्यों? इतना सोना मिलेगा वो बढ़ रहे। स्वयं चाउंड राय के जो कुटिया थे उधर गए, हम भी गए थे नेमावर इधर कुंडलपुर में, जो जो काम कर रहे हैं शिल्पी उसके पास जाके ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्या चल रहे हैं। ए गुरुदेव, हम जब आए थे उसी दिन शुरुआत किया था सहस्रकूट का, जब निकल रहे थे 5 फीट उसका दीवार तैयार हो गया था, बीच में एक बार हम गए थे 3 मिनट जब हुआ था, उनसे पूछा कितने समय लगेंगे, अंदाज 4-5 महीने लगेंगे, महीने अच्छा लगा, आचार्य भगवान आने से पूर्व शीघ्र अति शीघ्र एक काम आप पूर्ण करो, आपका कल्याण हो जाए। हाँ वो कर सकते, इसलिए हम चांदी द्वारा बोलते वक्त भी एक बार ले शीघ्र अति शीघ्र आचार्य भगवान का संकल्प पूर्ण होने के निमित्त शीघ्र अति शीघ्र कुंडलपुर मंदिर पूर्ण हो जाए, भाव तो रख सकते हैं। भावना से ही आत्मा का साथ से पुण्य बल के साथ कल्याण का मार्ग खुल जाता है। सुन के गए, उसके घर में बैठे थे वो, सोना तोल 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 रहे थे, ना ला के तोल रहे थे, गया शिल्पी बोल दे धन्ना एक आप जी आप इधर क्यों? उसकी माँ भी आ गई, हमने सुना है आप पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। क्षमा, उन्होंने कहा 1 केजी अगर पत्थर गिर गया तो 2 केजी बंगाल दूंगा सोना, आप उसके बारे में मत चिंता करो, काम करो भगवान की सेवा। तो बोल रहे माँ सुन लिया, आ गए बेटा ये क्या कर रहे, एक कारण माँ की सपना नहीं, मैं भी आज से संकल्प लेता हूं मेरे पुत्र जब तक भगवान को निर्माण नहीं करेगा तब तक मेरा भी अनाज का त्याग रहेगा। और शिल्पी की माँ बेटा अरिष्टनेमी की माँ भी संकल्प किया, अरिष्टनेमी के मन में आते हैं माँ के चरण में गिर जाके क्षमा याचना करते हैं, इतने श्रद्धा से निष्ठा से काम में लग गया तो 3 महीने में काम नहीं होता, 3 महीने में काम कर दिया, ऐसे भव्य प्रतिमा का निर्माण हो गया। अब मैं जब तक धरती पर धर्म रहेगा, जब तक सूरज छाता रहेगा, तब तक कोटेश्वर का नाम अजर अमर रहेगा, चाउंड राय का नाम अजर अमर रहेगा। यही है बेटा दान की परंपरा, दान से ही भगवान बना है, अगर दान नहीं तो गोमटेश्वर भी नहीं है, ये नेमिनाथ भगवान भी नहीं है, ये आपका मंदिर भी नहीं है, मेरे हाथ में जो पीछी है वो पीछी भी सब दान की महिमा है। इसलिए बोल रहा हूं दान से बड़ा धर्म ग्रस्त के लिए कोई नहीं है, अगर आपके जीवन में दान नहीं होता तो आप जैसा दरिद्री भी कोई नहीं। संघ के लिए कहा है भाव शुद्धि से, एक एक धान के लिए समस्त गुरुदेव ने रत्न शाकाचार ने वर्णन किया है। इसलिए मैंने कल प्रवचन में कहा था दान के विषय लेकर अगर चौमासा भी किया तो पूर्ण नहीं होगा, उतनी महिमा दान की है बेटा। इसलिए जीवन में दान किया करो, दान की अनुमोदना किया करो, दान आपको धर्मात्मा बनाता है, आज का धर्मात्मा भविष्य का महात्मा और परसों का परमात्मा। अगर परमात्मा बनना चाहते हैं तो पहला धर्मात्मा बनो, धर्मात्मा अगर बनना है तो मुक्त मन से दान करो, उजिया जो राइट हाथ से दिया हुआ दान लेफ्ट हाथ को भी नहीं समझना चाहिए, ऐसे भाव शुद्धि से, अगर लेफ्ट हाथ से भाव आ गया दे जाओ, हाँ अगर किस आदमी अशुभ होता है ऐसे मत विचार करो, भाव अच्छे रखे जो भी करो
आपका कल्याण हो ही जाएगा। इसीलिए भागवत में कहा है, दानम दुर्गति नाशनम, दानम सदगति कारणम, दानम दुख निवारणम। आपके जीवन में अगर दुख है तो दान करके देखो, आपका दुख मिट जाएगा। दानम सदगति कारणम, अगर सदगति प्राप्त करना चाहते तो दान करो, दान से ही आत्मा सदगति को प्राप्त होता है। अंत में का दानम मोक्ष कारण, दान मोक्ष के लिए भी कारण है। इसीलिए क्षय दान दिया है, नव क्षय लब्धि में क्षय दान भी है बेटा। इसलिए दान को तुच्छ मत मानो, नाम के लिए नहीं, आत्मा के हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो आपने पुण्य से मिला हुआ है, बोलते ना इसे लिया है उसको दे रहे, हमारे क्या दे रहे। हाँ, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही करुणा का धाम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री विद्या सागर ज्ञान के सागर, श्री विद्या सागर ज्ञान के सागर, धर्म का किया प्रचार, से सब काम हो रहा है, करते तो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। होते ना होते बजे, देखो जब तक धरती पर धर्म रहेगा, सूरज चांद रहेगा, तब तक इतिहास में कुंडलपुर का नाम रहेगा। ऐसे रत्मा में हो रहा है, एक पैसा भी अगर आप कुंडलपुर के मंदिर में डाल दिया तो आपको समझो आप धन्यशाली भाग्यशाली। जिसका पैसा कुंडलपुर में जुड़े हुए नहीं है, और पैसा होकर भी वो भिखारी है, वो धर्मात्मा नहीं है। रविवार जाओ, कभी भी जाओ, शांतिदारा का कलश ले लो, जो भी व्रत हो, जीवन में एक बार तो, कम से कम एक बार तो बड़े बाबा का शांतिदारा करके देखो, आप एक बड़े बन जाएंगे। ऐसे बड़े नहीं, तीन लोग में सबसे बड़ा सिद्ध भगवान है, वो पद भी आपको बड़े बाबा का भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। एक सैसे का धन का सदुपयोग का प्रभाव आपके जीवन में मिल जाएगा। इसीलिए दान ही सर्वस्व है, सावन का धर्म दान से ही श्रेष्ठ बनता है। इसलिए आपके जीवन में दान दिया कर्म करते रहो। कल शनिवार के निमित्त से मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। गौशाला में जो मंदिर बना हुआ है उधर मैं भी सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में जा रहा हूँ, सुबह शांतिदारा उधर ही होंगे, उसके बाद प्रवचन, इधर भाव करो, एक अपेक्षा से है। इसलिए मुकदम हमने शरीर को बता दिया, नाम डालो श्री ग्रहदोष निवारक, उसके बारे में भी एक बार प्रवचन आपको मिलेंगे। चिंतामणि पारसनाथ क्यों बोलते हैं, अरिष्ट निवारक अष्टम तीर्थंकर चंद्र को बोलते क्यों बोलते हैं, और एक उपाधि एक तीर्थंकर के लिए है, सब तीर्थंकर के लिए है, इसके भी बारे में बताएंगे। जैन धर्म अनेकांत शादवाद है, क्यों एक एक बार माँ ने बच्चों को बुरी आदत हटाने के लिए अन्य कोई वस्तु देते हैं। ऐसे एक उपमा देके मिथ्यात्व से कुमार से लोगों को हटाने के लिए
धर्म मार्ग में आने के लिए वीतराग से जुड़ने के लिए ऐसे आचार्य भगवंतों ने काम आगम में लिखा है, इसका प्रमाण भी है। इसलिए उसके पीछे हमको वीतराग का प्राप्त करना है, राग द्वेष बढ़ाना नहीं है। ये मंदिर समता का प्रतीक है, मंदिर में समता का धारण करने की आवश्यकता है। ये भावना रख के देव लयु सा प्रमो धर्म की रत्नत्रय स्वरूप जिन धर्म की। एक टिप से बताता हूँ आपको, सबको दिख रहा है ये, क्या आप जानते हैं इसको? सदाबहार नित्य पुष्प, ये बहुत काम की है। हर समाज के लोग अपने घर के आंगन में, घर के छत पर, घर के पीछे किधर भी जगह है तो कंपल्सरी ये पौधे लगाओ। हर दिन कम से कम सिर्फ 3 इसका पत्ते आप खा रहे तो आपका शुगर लेवल, सुन रहे ना, जिसको शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर के लिए परम दवा है सिर्फ 3 पत्ते चबा के खाने का। सुबह नहीं खा सकते तो कूट के रस निकालो, कूट 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 रस पी लो, चलेगा कुछ विकल्प में। और किसके बाल के प्रॉब्लम है, बाल ज्यादा गिर रहे हैं, सुन रहे ना, बाल का प्रॉब्लम तो बहुत लोगों के होते हैं। काला सफेद बाल भी काला हो जाएगा और उसका वृद्धि भी हो जाएगा, नया बाल भी आ जाएगा। बालों का जो भी समस्या है वो समस्या मिटाने के लिए सदाबहार की 9 पत्ता और मीठी नीम की 9 पत्ता और दासवाल की 3 पत्ता और चेखू एक डाल के आप कूट के वस्त्र में उसको निभा क्या बोलते हैं बिछोड़ के उसको रस निकालने का, वो रस एरंडी का तेल में डाल के उबालने का, कांच के बर्तन में डाल के रखने का, हर दिन वही तेल लगाते रहो। 1 महीने तक अगर लगाया, 1 महीने के बाद आपका बाल आप देखो, सुन रहे ना, अरे वाह नहीं, ये सब अवश्य रहेगा। हाँ, आपके आंगन में आपके घर में है, इसका लाभ उठाओ। इसको शुगर है सिर्फ 3 पत्ते, इसका हर दिन खाते रहो, आपका शुगर लेवल रह जाएगा। अब ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसके साथ साथ क्या बोलते हैं आपकी गड़बड़ होती भाषा का प्रॉब्लम, पशु के पड़ते हैं ना 3 पत्ते वाले बोल, कल बोलते बेल पत्र, बेल जेल सब बेल पत्र, उसका 3 पत्ता, सदाबहार का 3 पत्ता, अर्जुन का 4, वो तीनों लेकर 3 लोटा पानी रख के उबालने का, 1 लोटा होने तक वो चांद के सूर्य काली में पीते रहो, आपका शुगर लेवल हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देव लयु सा प्रभो धर्म की।